उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री AK शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं और तमाम व्यवस्थाओं के बीच में हमने रोका और आप रुके। सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो चीज मैं कहना या पूछना चाह रहा हूँ, मैनपुरी में प्रचार के लिए आए हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ढेर सारे समीकरण, प्रत्याशी कुछ लेट आया बाकी सूचियों के मुकाबले, क्या मैनपुरी का मुकाबला आपको लगता है बहुत कठिन है या आप लोगों की तैयारी के हिसाब से आपको क्या उसका अंदाजा लग रहा है? मैं अपने पूर्व अनुभव से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम से, भारतीय जनता पार्टी के परिश्रम से कह सकता हूं कि अन्य गढ़ों की तरह ये गढ़ भी टूटने जा रहा है। अन्य गढ़ मैंने क्यों कहा, तो मैं आजमगढ़ के नजदीक का रहने वाला हूं। आजमगढ़ मेरा पुराना जिला हुआ करता था, अब मऊ हो गया है। आजमगढ़ भी समाजवादी का एक गढ़ हुआ करता था, वो पिछले उपचुनाव में टूट गया और इस बार भी टूटेगा। उस अनुभव से मैं कह सकता हूं कि ये जो आखिरी गढ़ बचा है उसका आधा तो जयवीर सिंह ने जीत ही लिया था विधानसभा चुनाव में, अब बाकी का काम भी वो इस बार पूरा करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है उनको। आज मैंने उनके साथ, माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ और हजारों की संख्या में हमारे जो बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता आए थे, जो हमारे पदाधिकारी इकट्ठे हुए थे, पार्टी के नेता इकट्ठे हुए थे, उन सब का उत्साह, उन सब का कमिटमेंट, उन सब की लगन देखते हुए, माननीय मोदी जी के नीतियों में, उनके कार्यों में श्रद्धा देखते हुए, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार मैनपुरी में भी अन्य जगहों की तरह कमल खिलेगा। जी, आपकी छवि और आपके काम को देखते हुए खासतौर पर, और वही प्रधानमंत्री साहब के कनेक्ट को लोग खूब याद करते हैं और उस चीज को बखूबी उसका जिक्र करते हैं, क्या खास मिशन पर आप हैं? बहुत सीधा सवाल पूछूं तो कि गढ़ तोड़ने के मिशन पर यहां आप आए हैं, क्या प्रधानमंत्री जी की ओर से वैसा कोई संदेश है कि मैनपुरी आपको पहुंचना है? आजमगढ़ का जिक्र आपने बखूबी कर भी दिया। पार्टी के निर्देश पर मैं यहां आया हूं। स्वाभाविक बात है कि एक कठिन कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इस चुनौती में हम लोग खड़े उतरेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अन्य पार्टियों के पास, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो लोग खड़े हैं, उन उम्मीदवारों के पास या पार्टियों के पास कुछ जनता को नया देने के लिए है नहीं। चार चार बार जिस पार्टी के, जिस परिवार का शासनकाल रहा हो, उस शासनकाल में जनता को कुछ न मिला हो, और मात्र 10 साल के शासनकाल में माननीय मोदी जी ने यहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात पब्लिकली जितनी हो रही थी उतनी ही, मैं अभी एक परिवार में बैठा हुआ था, वहाँ 15-20 लोग इकट्ठे थे, ऐसी भयावह कहानियां वो लोग बता रहे थे कि क्या क्या होता था महिलाओं के साथ। तो उस परिवर्तन को लोग महसूस कर रहे हैं कि पहले क्या होता था, अब क्या, कितनी सुरक्षा है। लोग कह रहे थे कि बसें रोक रोक करके सैफई महोत्सव के समय बसें रोक करके महिलाओं के साथ अनेक प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया था, ऐसी एक घटना लोग याद करा रहे थे। और उसकी जगह आज का उदाहरण ये भी दे रहे थे कि आज 12 बजे रात को भी महिला अगर घूम रही है तो किसी को, किसी की ताकत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी चेन पे हाथ डाल दे या उसकी इज्जत पे हाथ डाल दे। तो ये परिवर्तन लोग देख रहे हैं। बाकी बातें कागजी हैं, जो भी वो कहते हैं कोई उसका मतलब नहीं है। जो माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का सुशासन चला है, उसके आधार पे जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएगी। एक चीज जो आप, जिसका थोड़ा सा आपने जिक्र नहीं किया, मैन इन मिशन है क्या? आप अंग्रेजी के बोला है, मैं दोबारा उस सवाल को रिपीट कर रहा हूं। मैं हमेशा ही मैन इन मिशन, ऑन मिशन रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर हमेशा, और उनके इशारे पे, उनके मिशन पे काम करना हमारी पहले की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता रही है। अभी का मिशन है फिर एक बार मोदी सरकार, अभी का मिशन है अब की बार 400 पार। एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ आजमगढ़ का, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया उस इलाके के बारे में, एक अनुमान ये लिया जा रहा है, जो कुछ प्रकरण हुआ, मुख्तार अंसारी का निधन हुआ, उसके बाद एक सिंपैथी वेव है और वहां वो सीट, गाजीपुर का इलाका, घोसी की सीट, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गई। अब समीकरण, सिंपैथी, बहुत कुछ उस पर कहा जा रहा है, आप भी बखूबी परिचित हैं, वो फीडबैक आपके पास भी आता है? मुझे कोई सिंपैथी वेव नहीं दिख रही है। जो व्यक्ति 20 साल तक अपने अपराधों के कारण, उसने जो अनेक जाति वर्ग के लोगों की हत्याएं की हैं, चाहे वो छोटी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, वो मारते समय वो किसी की जाति नहीं देखता था, मारते समय सिर्फ ये देखता था कौन उसके रास्ते में आ रहा है। तो उसने समाज के हर तबके को पीड़ित किया है।
ऐसा कोई सिंपैथी वेब मैं नहीं देख रहा हूँ, और उसका निगेटिव तो कटता ही नहीं, पॉजिटिव असर पड़ता मुझे दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी। हमसे बातचीत करने के लिए AK शर्मा मौजूद थे, तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की है, एक बात कही, मैन इन मिशन है, अब देखते हैं कितना परिवर्तन आता है। कैमरा पर्सन शामवीर के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, अमर उजाला के लिए मैनपुरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।